happening? Go! इसकी कोई जरूरत नहीं है नेहा। आप हमें जानते हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना नेहा, मैं विशाल हूँ। याद है मेरे डैडी तुम्हारे टिम्बर फैक्ट्री में मैनेजर थे। विशाल तुम? तुम्हारे यूरोप चले जाने के बाद हम भी देहरादून शिफ्ट हो गए। अब मेरी पोस्टिंग यही है, शायद तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, अंकल इंतजार कर रहे होंगे। अब जो तुम आ गई हो तो मुलाकातें होती रहेंगी। अरे कैसे हो मालिका का? बिल्कुल ठीक हूँ बिटिया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बता नहीं सकता बिटिया, मुझे कितनी खुशी है तुम्हारे आने की, कितना आनंद है मुझे। बिटिया तुम्हें घर आना मुबारक हो। थैंक यू। बिटिया इतनी बड़ी हो गई, तुम अब तो विलायत पढ़ने के लिए नहीं जाओगे। हेलो अंकल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वेलकम होम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? कुछ गुंडे रास्ते में आते हुए घेर लिए थे मालिक। क्या? नहीं नहीं, भगवान की कृपा से इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँच गए, वरना ना जाने क्या हो जाता। वैसे तो कहने को इस बस्ती का नाम शांति नगर है, पर चारों तरफ अशांति अशांति है। बैठो तुम। जी। नेहा आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी की इच्छा थी कि तुम अपनी शिक्षा पूरी कर लो, आज उनकी आत्मा बहुत खुश होगी। बेटे तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिताजी और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी मां के स्वर्गवास होने का गम उन्हें खा गया। मरने से दो दिन पहले उन्होंने मुझे
और सॉलिसिटर साहनी को बुलाकर एक वसीयतनामा करवाया था, जिसके मुताबिक तुम्हारी और तुम्हारी जायदाद की देखभाल उन्होंने मुझे सौंपी थी। मुझे खुशी है कि मैंने अपना फर्ज अच्छी तरह निभाया। बस अब तुम आ गई हो, चाहता हूं कि सब कुछ तुम्हारे हवाले करके मुक्त हो जाऊं। थैंक यू अंकल, आपने पापा की दोस्ती का हक अदा किया है। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ यहीं रहें, और फिर ये सब आपका भी तो है। खैर छोड़ो, ये सब बातें बात की हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? आई मीन शादी के बारे में क्या सोचा? अभी तो हमने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। बेटे, खूबसूरती और दौलत मिलकर एक ऐसा खजाना बन जाता है जिसे दुनिया का हर आदमी हासिल करना चाहता है। तुम्हारे चारों तरफ नौजवानों की भीड़ लग जाएगी, और ज्यादातर लड़कों की नजर तुम्हारी दौलत पर होगी। बी केयरफुल। हाँ, आप बेफिक्र रहिए अंकल, अब मैं बची नहीं रही। ओ रीटा, अरे नया, यह है तुम्हारी गवर्नर रीटा। रीटा डिसूजा तुम्हारे हर आराम का ख्याल रखेगी। ऑफ कोर्स, मैं फिक्स योर बाथ डियर। श्योर। जाओ बेटे, नहा धोकर आराम कर लो, शाम को चाय पर मिलते हैं। चार्मिंग, चार्मिंग। कम, एक्सक्यूज मी। साहब जी, मैं लूट गया साहब जी, बर्बाद हो गया साहब जी मैं। क्या बात है मियां, इतना चीखा मार के काय को बोल रहा? मैं सामने खड़ा हूं ना तेरा, बोलना क्या बात साहब जी? मेरी बीवी भाग गई साहब जी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुदा का शुक्र अदा कर, महल्ले में जाके लड्डुआ बांट। अरे वो रामू मोची के छोकरे के साथ भाग गई साहब जी, मेरी तो बिरादरी में नाक कट गई। रामू मोची का पोट्टा तेरी बीवी को लेकर भागा ना? हाँ जी। ऐसा कर, तू रामू मोची की पोट्टी को लेकर भाग जा, हिसाब बराबर। हाँ ये बात सही बोले साहब जी आप। साहब जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब सलाम। चल अभी जा। अरे मिस्टर सलीम खान, तेरे जैसे दो चार और पुलिस अफसर हो जाए ना तो सारे काम की नैया डूब जाएगी। अरे वो बात तो ठीक है मियाँ, पर बात क्या है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे, कोई खास बात मालूम हो रही है मियाँ? हाँ यार सलीम, आज सचमुच में बहुत खुश हूँ। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, आधी दर्जन इश्क करके बैठा हूँ, कोई पोटी वोटी पसंद आई है क्या? अरे नहीं यार, वो मेरे बचपन की साथी है, बहुत साल पहले विलायत चली गई थी और अब वापस आ गई। फिर क्या है मियाँ, ऐश करो, चारों हाथा पावा घी में है और सर कढ़ाई में है, और दुआ करो कि खान का सातवां इश्क भी शुरू हो जाए, फिर देखो खान का कमाल। अब मेरी दुकान के गाहक ये खुजली मारे कुत्ते और ये भिन भिन आती हुई मक्खियां ही रह गई हैं। ये हाल हो गया है लिट्टे। अबे हंस रहा है रद्दी वाले, गद्दी पर बैठा हुआ। हाँ, तू तो चाहता है कि मेरी ये सारी किताबें रद्दी बनकर तेरे यहाँ पहुँच जाए और मेरा दिवाला पिट जाए। इसीलिए तो कहता हूँ नई किताबों में सर न खपाओ, आकर रद्दी की गद्दी पर बैठ जाओ। अबे नद्दी में डूब जाऊंगा लेकिन तेरी रद्दी पर गद्दी नहीं जमाऊंगा। किताबों में दीमक लगती है मगर तू मेरी जिंदगी में घुन बनकर लग गया है मोटे। मेरी दुकान के चारों नौकरों को कांटा डालकर मछलियों की तरह फंसाकर अपनी दुकान में घसीट लिया, और अब चाहता है मेरे गले में कांटा डालकर मुझको भी घसीट ले। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ फूलचंद। फूलचंद नहीं, फूलचंद। हाँ फूल, फूलचंद। देखो तो वो तीनों कितने सुखी हैं, और एक तुम अपनी हालत देखो ना। अपनी हालत देखो ना, अरे अपनी जहालत देखो। अरे सूट और टाई क्या पहन लिया, कितना आ रहा है। अरे याद कर वो जमाना जब चड्डी और बनियान पहनकर गली गली घूमा करता था, रद्दी ले लो रद्दी, मेरी ले लो रद्दी, जाहिल कहीं का। Excuse me. You are excused. Welcome. आपके पास कोई इंग्लिश बॉयज की कुछ किताबें हैं? ब्राउनिंग, फ्रॉस्ट, शेक्सपियर, टेनिसन, माइकल जैक्सन, एक्शन, रिएक्शन, थायमाइसिन, टेट्राक्लोराइसिन, डिप्थेरिया, मलेरिया, पायरिया, एंड ऑल दीज आर न्यू पोएट्स, यू नो, मे आई हेल्प यू? नो यू कैन हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू, वी आर वेलकम, यू ऑलवेज कम। लड़की हंसी और किताबों में फंसी। अबे मैं ऐसा सेल्समैन हूँ कि हिंदुस्तान भर में नहीं मिलेगा। शर्त लगा ले, ये निगम है ना निगम, ये टेलीफोन डायरेक्टरी, ये बंबई की चार साल पुरानी रिजेक्टेड है, इसे भी भेज दूं। बड़ी डींगे मार रहे हो फूलचंद भाई। अरे जिस दिन तुम ये बंबई की निगम टेलीफोन डायरेक्टरी भेज दोगे,
मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। और उस गुलाम हाथी को पालेगा कौन? ओहो, आप जा रही हैं, आपने कुछ खरीदा नहीं? जी नहीं, मेरी पसंद की यहाँ कोई किताब नहीं। समझ गया, आजकल पोएट्री कुछ अच्छी आ भी नहीं रही है। तेजा भी पोएट्री है, 1, 2 का 4, ओए ओए वगैरह। आइएगा आइएगा। ओह माय डार्लिंग चाइल्ड, तुम किधर था? पूरा घर ढूंढा मैं तुम्हारे लिए। यू हैव अ विजिटर। कौन है? मुझे नहीं मालूम। कम ऑन, लेट्स गो। ओह देयर ही इज। हेलो मिस नेहा। ओह आप? जी हाँ, दरअसल आपकी पसंद की वो किताबें मुझे मिल गई। मैंने सोचा दे आऊं। किताबें तो अच्छी हैं, कितने की हैं? जी इसे मेरी तरफ से एक तोहफा ही समझ लीजिए। हमें तोहफे लेने की आदत नहीं। ठीक है, अगर आप जिद करती हैं तो इसकी कीमत दे दीजिए, कुल 110 रुपए। अच्छा बैठिए, मैं अभी आती हूं। जी नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन हमें तो है। डू सिट डाउन, आई विल जस्ट गेट यू कप ऑफ टी। थैंक्स। कौन हो तुम? नमस्ते, मेरा नाम विनोद है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ कैसे आए? जी वो मिस नेहा को कुछ किताबें देनी थी। गेट आउट। जी? आई से गेट आउट। होल्ड योर टंग सर। यू स्वैग। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। मैं देख लूंगा आपको। अंकल, आपने ये क्या किया? नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस किस्म के लोगों को अपने करीब मत आने देना। लेकिन ये, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये खुद नए नए बहाने बनाकर तुम्हारे पास आएंगे, चापलूसी करेंगे, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। ये नीच तबके के लड़के भरोसे के काबिल नहीं है बेटी। देखो खुद अपने आप को संभालो और समझो, मुझे गलत मत समझना, मैं तो तुम्हारी भलाई की बात ही सोचूंगा ना। मैं चाहता हूं मिस नेहा कि आप अपनी जायदाद के सिलसिले में कुछ जरूरी बातें मुझसे समझ लें ताकि फैसला करने में आसानी हो। ये कुछ फ्लैट्स हैं, कुछ बंगले हैं और भारद्वाज इंटरप्राइजेज, ये सब आपकी होने वाली हैं। मिस्टर साहनी, अगर आप ये सारी बातें मेरे अंकल के साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटे, इन सब बातों के बारे में तुम्हारा जानना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ जरूरी कागजात हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। जी। वसीयत के मुताबिक जब आप 18 साल की हो जाएंगी तो कानूनी तौर पर ये सब आपके हवाले कर दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा बेटी, हाय विशाल। हेलो। तुम बैठो, मैंने छोड़कर आता हूँ। ऑलराइट। हाय नेहा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स के बारे में बात कर रहे थे, वकील आए हुए थे। दैट्स ऑल, आई एम ओके। यू, हेलो। हेलो, आई एम रीटा। नाइस टू मीट यू। यू, व्हाट अ हैंडसम इंस्पेक्टर, ही इज सो क्यूट। मैं आपके लिए टी बनाऊं? नो थैंक यू, मैं चाय नहीं पीता। ओह व्हाट अ गुड गाय, ये चाय नहीं पीते। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? वाटर, वाटर। नेहा, याद है तुम्हें हम बचपन में यहाँ खेला करते थे? मैं तुम्हें गुलाब के फूल तोड़ के दिया करता था और तुम उन्हें अपने बालों में सवार लिया करती थी। वो समा आज भी मेरी आंखों में फिर रहा है। अरे हाँ, याद आया, आज शाम को वो अपने टाउन हॉल में एक चैरिटी शो है जिसमें मेरा दोस्त विकी परफॉर्म कर रहा है, तुम आओगी ना? ऑफ कोर्स हम आएगी, हम दोनों आएगी। वैसे भी बेबी आती बोर होती है ना डॉली, हम दोनों आएगी।
ज्यादा प्यार हूँ, सबसे प्यारा यारों का मैं यार हूँ। लेकिन जब से तुझे देखा ओ जाने जाना, तब से हुआ दिल तेरा दीवाना। जब से तुझे देखा ओ जाने जाना, तब से हुआ दिल तेरा दीवाना। मैंने ना देखी ऐसी हसीना, देखा सारा जमाना, देखा सारा जमाना। अरे चम्मा है तू तो मैं हूँ परवाना, मेरे लबों पे तेरा तराना। मैंने ना देखी ऐसी हसीना, देखा सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। रे लगे तू तो मुझको खाबू किरानी लगे। मैं तेरा क्या हूँ मुझको बताना, राज मोहब्बत मुझसे छुपाना। मैंने ना देखी ऐसी हसीना, देखा सारा ज़माना, देखा सारा ज़माना। अरे मैं हूँ माँ। अरे देख तुम्हारे किसे पकड़ लाया हूँ। विशाल तुम? नमस्ते आंटी जी। कहाँ ठहरे तू इतने दिन, तुझे अपनी आंटी की याद नहीं आई? और माफ कर दो आंटी जी, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा चलो चलो अंदर आओ। चल यार विशाल, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार आज किसी लड़की ने मेरा हाथ झटक दिया। खबर तो बहुत दुखदायक है यार। वो तो है ही, सारी दुनिया हम पर मरती है और हम किसी और पर मर मिटे। लेकिन यार मैं तो सोचता था तू अन्नू से प्यार करता है। क्या कहा? चुप, आ गई। अन्नू? कौन अन्नू? वो डांसर? वो तो मुझे एक आंख नहीं भाती। हाँ आंटी जी, उसी से शादी की बात कर रहा था ये। क्या विकी, तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? अरे माँ तू तो बस। देख विकी, कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में एक डांसर सिंगर है, वो बहुत हो गया, दूसरे डांसर की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे घर में एक अच्छी सी बहू की जरूरत है। क्यों और क्या, कब से मैं भी उसे यही समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं रहा। नहीं समझता है तो ना समझे, जिंदगी तो इसे ही गुजारनी है। हमारा क्या है, आज हम है कल नहीं है, हमारा काम है इसे समझाना, ये समझे या तो नहीं समझे। हाँ मगर क्या करूँ, माँ हूँ ना, बेटी की फिक्र तो लगी ही रहती है। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर विकी से मिलना चाहता हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। सर आपसे मिलने कोई जर्नलिस्ट आए हैं, मिस्टर विनोद तलवार। ओके सेंड मैन। तीन महीने यूरोप का टूर करने के बाद मैं काफी थक चुका हूँ नवल, अब मैं कुछ दिन माँ के साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन विकी, स्कूल ऑफ द ब्लाइंड को जो तीन शोज प्रॉमिस किए थे वो तो करने ही पड़ेंगे, isn't it? Sure, why not? अच्छा मैं उसे कंफर्म कर लेती हूँ।
हेलो हेलो मिस्टर विकी। हेलो। अच्छा फिर शाम को रिहर्सल हॉल पर मिलेंगे। ओके अनसियो, ओके बाय बाय। आइए बैठे। ओह थैंक यू। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दिया करता, फिर आपके यहाँ आने का मकसद? दरअसल बात यह है मिस्टर विकी कि अगर मैं आपसे पूछे बिना वो खबर छाप देता तो आप मुझसे नाराज हो जाते। कौन सी खबर? वही कि इस शहर का फेवरेट सिंगिंग स्टार विकी, जिसे कल रात शो में एक लड़की ने ठुकरा दिया। ये आपको कैसे पता चला? जी मैं उस शो में मौजूद था। अच्छा, तो क्या आप उसे जानते हो? हाँ हाँ, उसका नाम नेहा है और वो भारद्वाज जिला में रहती है। उसका फोन नंबर है 1617। क्या नंबर बताया? 1617। मगर उसके अंकल से होशियार रहिएगा, बड़ा फौलादी हाथ है उसका। उसने मुझे एक ही थप्पड़ में दिन में तारे दिखा दिए। वादा रहा मिस्टर विनोद, जिस दिन वो मेरी बाहों में होगी मैं तुम्हें जरूर इंटरव्यू दूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। ओके थैंक यू मिस्टर विकी। और हाँ, अगर वो आपको इस नंबर पर नहीं मिली तो फूलचंद के बुक स्टॉल पर जरूर मिलेगी, वहां पर अक्सर किताबें खरीदने जाती है। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो मिस नेहा भारद्वाज। हाँ नेहा बोल रही हूँ। मिस्टर विकी आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज होल्ड लाइन। रीटा तुम्हारा फोन। इंस्पेक्टर विशाल का है। हेलो। उम्मीद है कल रात जो वाकया हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे। I mean it. मैंने कई मुल्क के दौरे किए हैं, इजिप्ट की हसीनाएं देखी हैं, यूरोप की ब्यूटीज और एशिया की सुंदर नारियां भी देखी, लेकिन जो बात तुम में है वो उनमें कहां। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदा कैसे रहा। काली काली आंखों की छलकती हुई शराब, लंबी लंबी जुल्फों की घटाएं, गुलाब से होंठ। तुम सुनो ही ना नेहा। हेलो। ओह इंस्पेक्टर, तुम कितना अच्छा बोलता है। इंस्पेक्टर, आई लव यू इंस्पेक्टर। शिट। इनको ले लो जी, मोटी मोटी बुक्स हैं, इनको मोटे मोटे। मैं समझ गया, आपका टेस्ट बहुत ही वजनी, हाई और ठोस है। फैंटास्टिक, व्हाट अ सिलेक्शन, खंबा उखाड़ के। थैंक यू बट अगर आपने निगम को नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। यू नो पोएट निगम। निगम? या ग्रेट पोएट निगम। ओ निगम, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सुना हुआ। ही इज अ ग्रेट राइटर। ऑफ कोर्स ही इज एशियास प्राइड, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसी के तो चर्चे हैं आजकल। है चर्चे? यू नो हिम? जी। और क्या जानते हैं उनके बारे में आप? अरे इतने अच्छे राइटर हैं, ही इज क्लास। इट मींस कि निगम साहब बिकेंगे आज। मेरे पास एक ही वॉल्यूम है, द ग्रेट वॉल्यूम, वुड यू लाइक टू बाय इट? जी श्योर श्योर है। ऑफ कोर्स है, आप जैसे लोगों के लिए ही है। अभी पैक करके लाता हूँ। यस यस। अरे नेहा तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी है, तो इसका यह मतलब है कि तुम्हें भी रीडिंग का शौक है? हा? जी हाँ। तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे अचानक चांदी की घंटी बज उठी हो, और जब तुम चुप रहती हो ना तब तुम्हारी खामोशी भी बोलती हुई सी लगती है। मिस्टर विकी, आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आप जैसे मशहूर कलाकार को ये सब शोभा नहीं देता। लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज है। हियर इज योर पैकेज सर, और इसमें ग्रेट निगम भी है। स्पेशली मैंने निगम के लिए आपको कंसेशन दिया है, 299 रुपीज, 99 नया पैसा, 1 पैसा कंसेशन फॉर यू। आप जानते हैं निगम क्या है? निगम को कौन नहीं जानता। निगम एक मशहूर कवि है। माय फुट। निगम एक बहुत ही मशहूर टेलीफोन डायरेक्टरी है। खुद गई। और सुनो, अगर आइंदा से मेरा पीछा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अरे नेहा सुनो तो, आप अपना पैकेज भूल रहे हैं। माय फुट। आपका फुट, फुटपट्टी तो आपने पूरी खरीदी। आपका टोटल बिल है 1299 रुपए 99 पैसे ओनली। टेलीफोन डायरेक्टरी बेचते हो, लोगों को ठगते हो, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो अंदर करा दूंगा, समझे?
अबे तू क्या अंदर कराएगा, ये खुद अंदर रह गई, ऊपर से हंसती भी है। वो तू हंस रहा है, अबे रोएगा तू एक दिन, इसको मैं बेच के रहूंगा। तू भाग भाग यहां से। ओ माय डियर, मैंने गाड़ी को ठोक दिया। ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? आइडिया इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। मुझे विशाल कहाँ करो नया? आज ड्राइवर छुट्टी पर है शायद। वो क्या हुआ कि हम रीटा को ड्राइविंग सिखा रहे थे। और मैंने ऐसा स्मोक किया इंस्पेक्टर। वैसे गाड़ी फंसता नहीं तो आप मिलता नहीं। आप लोग अंदर बैठिए, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। नेहा बिटिया, क्या बना रहे हो? बड़ी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। शीरा बना रहा था बेटी। आज आज मलकिन की बरसी है ना? माँ की बरसी, इसलिए आज मम्मी की बहुत याद आ रही थी। बेटी तुम भी कुछ खा के जाओ, उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। जरूर खाऊंगी काका, पहले मम्मी से मिलाती हूँ। What do you want, child? The door is locked. हमें मामी के कमरे में जाना है। नहीं नहीं, आपका अंकल परमिशन नहीं दिया। इसकी चाबी किसके पास है? हमारे पास। हमें दे दो। नहीं नहीं नहीं, अंकल सेज नो। प्लीज दे दो रीटा, देखो मुझे अंदर जाना है, हेल्प मी, दे दो ना। ओके बेबी, मम्मी डैडी सोया करते थे और वहां हम, और जब मम्मी मर गई तब डैडी हमें अपने सीने से लगाकर सोया करते थे, और जब रात रात भर हमें नींद नहीं आती थी तब डैडी जाग जाग कर हमें लोरी सुनाते थे। आज मम्मी की बरसी है ना, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। हमें दुनिया में बहुत अकेले रह गए। हमारी दुनिया में कोई नहीं है। My baby, don't cry. आए भी है ना बेबी? अभी इस रूम में तुम्हारा अंकल रहता है ना? ये कपड़े किसके हैं? ये सब क्या है? क्या ये सब चीजें तुम्हारी? मेरे माँ बाप के इस पवित्र कमरे में ये सब चीजें किसकी है? बताओ, बता दो। एक खराब औरत रहता था इधर, उसका नाम सोनी है। सोनी, क्या बात है डाले? आज तुम बहुत चुप हो। नेहा को हमारे संबंध के बारे में पता चल चुका है। तुम नेहा से डरते हो? और अगर डरते हो तो मुझसे शादी कर लो।
अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। कुछ दिनों बाद नेहा करोड़ों की जायदाद की मालिक बन जाएगी। तो बन जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो हर महीने 10,000 कानूनी तौर पर मिलते ही रहेंगे। तुम समझती नहीं हो, जिस ऐशो आराम का मैं आदी हो चुका हूं, 10,000 उसके लिए काफी नहीं। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हेलो, क्या मैं नेहा जी से बात कर सकता हूँ? यस, नेहा स्पीकिंग। देखिए मिस नेहा, मैं हसन बोल रहा हूँ, मशहूर पाकिस्तानी पॉप सिंगर हसन जहांगीर। हसन जहांगीर, वही पाकिस्तानी सिंगर जिसने हवा हवा गाया? मैं आप ही के गाने सुन रही थी। दरअसल बात यह है मिस नेहा कि मैं कुछ दिनों के लिए आपके शहर में टूर पर आया हूँ। दैट्स ग्रेट मिस्टर जहांगीर, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है। लेकिन आपको मेरा टेलीफोन नंबर और नाम कैसे मालूम पड़ा? वो ऐसा है मिस नेहा कि आपके शहर के एक मशहूर गायक, माफ कीजिएगा, आपके मुल्क के एक मशहूर गायक जिनका नाम सुनते ही आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, विक्रम कुमार। क्या विकी ने? लेकिन विकी को कैसे पता चला कि मैं गीत लिखती हूँ? वो आपके गीतों से बहुत इंप्रेस्ड है और उन्होंने मुझसे आपकी सिफारिश की है कि मैं आपके गीतों को अपनी आवाज में गाऊं। लेकिन आप ठहरे कहाँ हैं? माल रोड पे मोटल ब्लू बैलरीना में। हाँ, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। जी हाँ जी हाँ, जरूर आइएगा। Now straighten that leg right up to the ceiling. Point the toe. Reach it up. Again. Flex. Point. Flex. Hi, Vishal. Hi. आज कैसे रास्ता भूल गए? दरअसल मैं विकी से मिलने आया था, उसे सालगिरह की मुबारकबाद देने। अच्छा, तो आज जनाब का बर्थडे है। वो है कहाँ? ना वो घर पर है, ना यहाँ। कहाँ मर रहा है? कहाँ मर रहा है ये ना पूछो, किस पे मर रहा है ये पूछो। तुम्हारे सिवा किसी और पे भी मर सकता है क्या? हो ना हो, लड़कियों को तो स्टेप ही समझता है। जब चाहे बदल दी। शायद आजकल दोस्तों को भी यही समझने लगा है, इसीलिए इतने दिनों से गायब है। अनु से कहना मैं आया था। ठीक है, कह दूंगी। उसे ये भी कह देना, अगर इसी तरह गायब रहा तो उसके पीछे CID लगा दूंगा। अच्छा, तो पुलिस में होने का फायदा तुम भी उठाने लगे हो। ओके बाय अनु। खैर, फिलहाल तो CID का काम मैं करूंगा। मुर्गा। हाय विकी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? ये कहां से टपक पड़ी? ओह अनु, सो स्वीट ऑफ यू, यू ग्रेट, आई लव यू अनु। इसलिए तो इतने दिनों से मुझे अवॉइड कर रहे हो। ऑफिस फोन किया तो हेमा ने बताया कि तुमने इस होटल में कमरा बुक किया। दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत जरूरी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? बस है, तुम नहीं समझोगी, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। देखो अनु, तुम फिलहाल यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें शाम में आकर सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन क्यों? देखो अनु, वो आ गया। अनु, अनु आ गया? कौन आ गया? लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो एक क्लाइंट, कहाँ छुपाओ इसको? क्यों? थोड़ी देर के लिए। और वो हसन जहांगीर कहाँ है? अरे पर तुम अंदर तो आओ। He must be in the room, my dear. Let's see. लो तुम्हारा कविता, my dear. वाह, book है। Oh yes, ये तुम्हारे लिए। अरे इधर। देखो नेहा, मैंने हसन जहांगीर से साफ साफ कह दिया कि अगर वो तुम्हारे गाने नहीं गाएगा तो आज से उसकी और मेरी दोस्ती कट। मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। लेकिन वो है कहाँ? बैठो। रीटा, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई खटखटा रहा है। खटखटा नहीं रहा है, बाजा बजा रहा है। दरअसल हसन जहांगीर अपने कॉम्पोजिशन बाथरूम में ही बनाता है। ओह माय गॉड, ऑल दिस रोमांटिक सॉन्ग्स कंपोज्ड इन द बाथरूम, हाउ डिवाइन। लेकिन उसे हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखो नेहा, हसन जहांगीर एक मूडी आर्टिस्ट है, जैसे उसकी कॉम्पोजिशन बाथरूम में खत्म हो जाएंगे वो बाहर आके तुम्हारे गाने सुन लेगा। लेकिन तब तक हम इधर क्या करेगी? तब तक हम प्यार की बातें करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। कम ऑन नेहा। अरे तुम अभी उसे बाहर निकालो। साथ हो गया। देखो नेहा, अगर तुमने अभी उसे अंदर डिस्टर्ब किया तो वो सिंगर से रैम्बो बन जाएगा। रैम्बो? रीटा, यहाँ से चलो ना। I think we'd like to make a move now.
चुपचाप बैठी रहो। विकी, come on, please, वो अभी बाहर आता होगा। विकी, दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? अंदर से तो किसी लड़की की आवाज आ रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। Yes, indeed. Let's check. अरे सुनो नेहा, एक मिनट। You liar! You cheat! अगर मुझे मालूम होगा कि तुम यहाँ हो तो मैं अब कभी नहीं आती। चलो रीटा। अरे नेहा सुनो तो, नेहा मेरी बात तो सुनो, एक मिनट नेहा प्लीज। जब जिंदगी का है ये सफर, कोई है इधर तो कोई है उधर, कसम खा के कहती है मेरी नजर, सनम तू ही तू है मैं देखूं जिधर। जब जिंदगी Yeah.
नेहा। विकी, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे गीत का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया तो तुम फोन पे भी कह सकते थे। जानते हो यहाँ लड़कों का आना मना है। यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड तो नजर नहीं आता। जानते हो कुछ दिन पहले यहाँ एक लड़का आया था मुझे कुछ किताबें देने। अंकल ने उसके साथ क्या सलूक किया पता है? क्या किया? उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। अच्छा, अगर तुम्हारे अंकल लड़कों से इस तरह पेश आने लगे तो उन्हें दामाद कहाँ से मिलेगा? ये आपके सोचने की बात नहीं है। अगर ये उनके सोचने की बात है तो ठीक है, हम उन्हीं से मिल लेते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अंकल से मिलने। अंकल से मिलने? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें वैसे ही थप्पड़ मारे। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। इससे पहले कि अंकल यहाँ आ जाए तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन फिर मुलाकात कैसे होगी? मैं खुद आऊंगी तुमसे मिलने। अच्छा, अब तुम जाओ ना यहाँ से। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। आज हमारी बिटिया बहुत ही खुश नजर आ रही है, क्या बात है? खुश तो हम हमेशा ही रहते हैं काका। ये जो चेहरे पर लाली है, तेजी है और ये जो उजाला है ना, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ है। देखो अपने काका से कुछ नहीं छुपा, जल्दी बता दो। हाँ, कुछ भी नहीं है काका। अरे बिटिया रानी, ये तुम भूल जाती हो कि तुम इन्हीं हाथों में पल करके बड़ी हुई। तुम्हारे बदलते हुए रंग को अगर मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? काका, कोई गायक है जो हमारी जिंदगी में दूर तक चला है। हाय रे, अच्छा अच्छा। यानी बिना इजाजत लिए बिना दरवाजा खटखटाए? हाँ काका, वो ऐसा ही जिद्दी और शरीर है, हमें अपनी मर्जी से मांगता है और हमारी मर्जी की परवाह ही नहीं करता। तो वो तुमसे प्यार करता है, तुम तो उससे प्यार नहीं करती ना? नहीं नहीं मारी काका, ये बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात? हम भी उससे प्यार करने लगे हैं। तो ये बात है। देखो बेटी, ये जो ढाई अक्षर प्यार के हैं ना, इसमें तो ईश्वर बसते हैं। प्यार उन्हीं को होता है जिनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है। और बेटी, अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो डर किस बात का? तुम आगे बढ़ो। अरे ओहो, दिल से उठता है या जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है मियां? मुंह से सिगरेट पी के फोटो से धुआं निकाल रहा। करिश्मा है मियां, करिश्मा। अच्छा अच्छा, बहुत बोल लिया, बता काम क्या है? येल्लो काम और आशिक। मियां, तुम सिर्फ आशिक ही करो आशिक ही। क्या शेर बोले गालिब चाचा परसों हैदराबाद में आके, एक शेर में सारे हैदराबाद को लूट के ले गए मियां। क्या शेर था मियां वो? इश्क पर जोर नहीं ऐ आतिशे गालिब, जो लगाने से ना लगे बुझाने से ना बुझे। वाह 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 वाह, तालियां बज रही थी हैदराबाद में परसों। आशिक तो तुम्हें होना चाहिए था सलीम, शेर सुना सुना के माशूक को पागल कर देते। सच्ची बोला मियां तू, जितनी भी आशिकियां किया मैं, दो दिन में मामला साफ कर दिया। अरे हिम्मत कर, जा हाथ पकड़ को लेके आ। हिम्मत कम नहीं है सलीम, सब कुछ हो सकता है। सिगरेट पीने से नहीं होता नवाब साहब, ये उम्र और ऐसी माशूक तो बस सदखे जाऊं। दिल बेकाबू लब पे तराने, दिल बेकाबू लब पे तराने, आँख में मस्ती होती है ये 15-16-17 की, कुछ उम्र ही ऐसी होती है ये 15-16-17 की, कुछ उम्र ही ऐसी होती है। लड़का मजनू बन जाता है, लड़का मजनू
में शामिल अपनी मर्जी, यार खुशी वो होती है ये 15-16-17 की कुछ उम्र ही ऐसी होती है, जानते हो जब से तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हुआ हूँ नेहा पता नहीं तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता, न घर में दिल लगता है न काम में, जी करता है तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें देखता रहूं, ये समय का चक्र रुक क्यों नहीं जाता, न सुबह हो न शाम हर पल तुम ही तुम। कमीने, तेरे ही घर में आकर मेरी इज्जत से खेल रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी गोली तेरे सर के चथड़े उड़ा देगी। नहीं नहीं अंकल, हम ही नहीं लाए थे। तूने इस घर में घुसने की जरूरत कैसे की? केदारनाथ से उलझने का नतीजा तू नहीं जानता। तुम क्या समझते हो तुम्हारी धमकियों से डरकर मैं बुजदिलों की तरह भाग जाऊंगा? हिम्मत है तो चला गोली। तुझे मरने का अगर इतना ही शौक है तो देख। नहीं देख, तुम यहाँ से चले जाओ मेरी खातिर प्लीज। देखो मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, तुम समझती क्यों नहीं? ये मामूली लड़के तुम्हारे जज्बात से खेलकर तुम्हारी दौलत पर कब्जा जमाना चाहते हैं। कान खोलकर सुन लो नेहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती दुनिया की कोई ताकत मुझे अपना फर्ज पूरा करने से नहीं रोक सकती, समझी? यह है सोनी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सोनी मैं जरूर ऊपर से आता हूँ। हेलो, मुझसे दोस्ती करोगी? दोस्ती? हम तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे अंकल की होने वाली बीवी हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो तुम गलती पर हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन गलती पर है। नेहा ये सच है कि पुलिस वालों को दिल नहीं होता, प्यार किसे कहते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन जब से तुम्हारे गुलाबी होंठ देखे हैं हमारी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। अरे यार ये हराम वराम ठीक नहीं लगता यार। क्या बात है मियां, इसमें बुरी बात कौन सी है? अरे यार प्यार के मामले में हराम ठीक नहीं लगता। अबे तो क्या हलाल कर दूं? नहीं यार ये हराम वराम मैं नहीं बोलूंगा। हद हो गई यार। अच्छा चल ये डायलॉग कैंसिल। लेकिन सलीम जब रात की नींद उड़ गई तो दिन में भी तो कुछ होना चाहिए ना। अरे मियां मोहब्बत में दिन में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है रात में होता है। चल चल तू क्या समझेगा, बोल आगे बोल। नेहा
ये सच है कि पुलिस वालों को दिल नहीं होता। प्यार किसे कहते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे गुलाबी गाल देखे हैं, कितनी बार बोला तुम्हें गुलाबी गाल नहीं गुलाबी होंठ। क्या मियां, एक डायलॉग बोलने के लिए इतनी गलती करता तू? अबे अगर मैं तेरी जगह रहता ना, ऐसा चमत्कार दिखाता, साली को पटाता और मेरे कदमों आगे नहीं गिरती ना, तो मेरा नाम भी सलीम खान नहीं। जाओ मियां जाओ, प्यार करने आए। शायद तू ठीक कह रहा है सलीम, प्यार मोहब्बत मेरे बस की बात नहीं। नहीं अभी भी, तुम किधर जा रहे? देखो रीटा, मैं कुछ किताबें खरीदने जा रही हूँ, मैं अभी आ जाऊंगी। नो बेबी, तुम्हारा अंकल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम्हें किधर भी अकेले नहीं जाने का है। देखो रीटा प्लीज, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। नो मींस नो रीटा, अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। ओके ओके डियर, आई जस्ट गिव यू 15 मिनट्स, टेक केयर। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है रीटा को मनाना कितना मुश्किल था। मैं भी तो रिहर्सल छोड़कर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर। हाँ तो फिर क्या मिलना जरूरी था? Excuse me, may I have your autograph, please? हेलो मिस्टर विकी, कैसे हैं आप? हेलो, हाय नेहा। हेलो, मैं आपको अपना वादा याद दिलाने आया हूँ। कौन सा वादा? याद कीजिए, आपने कहा था उस वक्त इंटरव्यू दूंगा जब नेहा आपकी बाहों में होंगी। तो क्या तुम मेरी बाहों में हो नेहा? हाँ, मैं तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे दिल में भी हूँ। मिस्टर विकी, आप हमारे देश के एक महान गायक हैं, इतनी शौहरत और इतनी ऊंचाई पाकर आप क्या महसूस करते हैं? मिस्टर विनोद, कला तो एक गहरा सागर है, अभी तो मैं इसमें उतरा भी नहीं हूँ। एक पर्सनल सवाल मिस्टर विकी। जरूर पूछिए। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी एक पवित्र बंधन है, दो दिलों का मिलाप है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोच रखा है? मुझे खुशी है कि मुझे अपना जीवन साथी मिल गया। ओह दैट्स गुड न्यूज, मुबारक हो मिस्टर विकी। थैंक यू, लेकिन याद रहे आप इनका नाम प्रिंट नहीं करेंगे। ओह श्योर, आई प्रॉमिस। अच्छा हुआ स्वामी जी से मिलना। मर गए। क्या हुआ विकी? अरे माँ। किधर है? वो पीछे। आप जाइए, मैं मेरे बेटे के साथ आई। अच्छा चलो। तो मुंह क्यों छुपा रहे हो? इधर देखो ना, फिर डरने की क्या बात है? देखो मैं बोल रही हूँ, वो आ रही है। विकी तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये कौन है? बेटी जीती रहो बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। बहुत प्यारा नाम है। अच्छा तो यही है वो लड़की? अरे माँ, पर तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो अपने स्वामी जी है ना, वो इसी होटल में ठहरे हैं, मैं तो तुम्हारी ही बात करने उनके पास आई थी। चलो बेटे घर चलो। नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी, मैं और किसी दिन जरूर आऊंगी। हाँ माँ ठीक कह रही है, बड़ों की बात नहीं टालते, तू चुप रह। चलो चलो। अरे माँ से देर हो रही है। ओफो। रीटा, नेहा कहाँ? आउटसाइड सर। आउटसाइड? आई एम सो सॉरी सर, होटल में विकी बाबा उसको ले गया, मैंने उसको रोका सर, बुक सर। मगर क्यों? आई डोंट नो सर। मुझे वो गवर्नर्स बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना फर्ज पूरा ना कर सके। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और चली जाओ यहाँ से। यू आर सेट। सॉरी नेहा, आज माँ की वजह से बहुत देर हो गई। दरअसल मेरा ही जी नहीं चाह रहा था वहाँ से आने का। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। सच? विकी मुझे याद नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में इतना खुश कब हुई हूँ। फिर तुम्हारी आवाज में इतना दर्द क्यों है? जब खुशी हद से बढ़ जाती है तो ऐसा ही लगता है, उसके छिन जाने का डर सा लगता है। तुम्हें किस बात का डर है? तुम तो माला माल भी हो और आजाद भी। विकी तुम्हें वो जंजीरें नजर नहीं आती जिनमें मैं जकड़ी हुई हूँ। अगर मैं वो जंजीरें तोड़ दूं तो? ये कैसे हो सकता है विकी? तुम्हें अपने प्यार के बंधन में बांध कर मेरे करीब तो आओ नेहा। जरा अपना हाथ मेरे हाथ में देकर तो देखो। अच्छा बाबा अब तुम जाओ। अरे तुम ये सामान क्यों बांध रही हो?
I'm very sorry, Rita. वो क्या हुआ कि हमें विकी की माँ मिल गई थी और हम उनके घर चले गए थे. I'm very sorry. लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ रीटा, प्लीज. आखिर बात क्या है मुझे बताओ. I'm very sorry. वो क्या बताएगी? मुझसे पूछो, मैंने उसे निकाला है. लेकिन कसूर हमारा था, सजा उसे क्यों मिली? सजा तुम्हें भी मिलेगी. कल से तुम मुझसे पूछे बगैर इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, समझी? आप भूल रहे हैं कि घर हमारा है, आपका नहीं. या आपका हुक्म नहीं चलेगा, हमारा चलेगा. तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं. आप हमारे मम्मी डैडी के पवित्र कमरे में एक औरत के साथ रातें गुजारते रहे, हमने कुछ नहीं कहा. आपने हमारे दोस्त को थप्पड़ मारा, हम खामोश रहे. लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, नेवर. अगर विकी हमारे साथ है तो अंकल क्या हम सारी दुनिया से टकरा जाएंगे? विकी पर तुम्हें पूरा भरोसा है ना बेटी? मुझे उतना ही भरोसा है जितना इस बात पर कि कल सुबह का सूरज जरूर निकलेगा और अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती. दुनिया की कोई ताकत नेहा को नहीं बचा सकती विकी. वैसे तुमने अभी तक बड़ी होशियारी से काम किया है, उसे जरा भी शक नहीं कि तुम उससे किस मकसद से मिलते हो. लेकिन उसे मानने की जरूरत क्या है? शादी के बाद तो वैसी सारी दौलत हमारी हो जाएगी. नहीं, जब तक वो जिंदा रहेगी हमारे लिए खतरा बनी रहेगी. वैसे भी ये ड्रामा बहुत लंबा हो गया, अब इसे खत्म हो जाना चाहिए. प्यार को कोई खत्म नहीं कर सकता. ठीक कहती हो बेटी, सच्चा प्यार कभी नहीं खत्म हो सकता. लेकिन आदमी को बदलते देर नहीं लगती. मेरा विकी कभी नहीं बदलेगा काका. बदलने पर आए तो हर चीज बदल सकती है विकी. मुझे लगता है तुम भी बदल गए. तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नेहा को मानने से फायदा क्या? फायदा और नुकसान समझना मेरा काम है, तुम अपना काम करो. लेकिन बेटी फिर भी जिंदगी का कोई एक मकसद भी तो होता है. मकसद की बात मत करो, गौर से सुनो. मैंने नेहा से कह दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम आज ही बंगले में जाओगे और रात उसके साथ गुजारोगे. मैं ठीक 11 बजे वहां आऊंगा और तुम पर बंदूक तान लूंगा. लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, तुम मुझसे दिखावे के लिए संघर्ष करोगे और मेरे हाथ से बंदूक छीनकर मुझे बेबस कर दोगे, जिससे नेहा समझेगी कि तुम ही दुनिया में एक ऐसे आदमी हो जो मुझ पर काबू पा सकते हो. तुम पर उसका विश्वास और भी बढ़ जाएगा, समझे? अब फौरन रवाना हो जाओ और याद रहे, ठीक रात के 11 बजे. मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह मेरी नजरों के सामने रहा करो. बदमाश, तुझे रोकने वाला अभी मौजूद है. तेरी मौत तुझे यहां खींच कर लाई है. जबान संभाल के बात कर केदारनाथ, मैं नेहा से शादी करने वाला हूं. बकवास बंद कर बदतमीज, तेरी ये हिम्मत? ये ठीक कह रहे हैं अंकल. खामोश, आवारा बदसात लड़की. अगर तेरे बाप ने मुझे तेरा गार्जियन नहीं बनाया होता तो मैं तुझे गोली मार देता, लेकिन आज मुझसे बचकर नहीं जा सकता. होश में आओ केदार, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो. Thank you.
ये तो मर गया है। नेहा पुलिस को फोन करो। पुलिस? नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ विकी। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ ना। और तुम? प्लीज यहाँ से चले जाओ विकी, प्लीज। मैं सब कुछ संभालूंगी, तुम चले जाओ, चले जाओ। ये खून मैंने किया है, मैंने किया है। दरअसल मैं ये जानने आया था कि तुम मुझसे किस लिए नाराज हो। मुझे तुमसे नाराज होने का क्या हक है? क्यों, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं है? सिर्फ दोस्त और कुछ भी नहीं। और जो मैंने तुम्हें दिल में बिठाकर सपने सजाए थे। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मेरे बारे में इतनी दूर तक सोच रखा है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना करीब दोस्त समझा है। मेरे जीते जी कभी अपने आप को अकेला मत समझना। आई एम ऑलवेज विथ यू। बहुत देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए, मां परेशान होगी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। स्ट्रेचर वाले नीचे हैं, उनको ऊपर भेजो ताकि बॉडी यहां से ले जाएं। अच्छा जी, फौरन। क्या नाम है तुम्हारा? जी माधव सिंह। कहां रहते हो? बंगले के पीछे गैराज में। नया, कितने साल से हो यहाँ? आओ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तुम्हें इस मर्डर के बारे में कैसे मालूम पड़ा? रात में पिस्तौल चलने की आवाज सुनी, फौरन वहां पहुंचे, देखा तो छोटी बालकिन पिस्तौल लिए खड़ी है और साहब की लाश पड़ी हुई है। हमने फौरन आपको फोन कर दिया। कल रात नशे की हालत में पिस्तौल लेकर वो मेरे कमरे में आए। मैं सोई हुई थी, उन्होंने मुझे जगाया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं घबरा गई। मैंने उन्हें पीछे ढकेलने की बहुत कोशिश की। छीना छपकी में मेरे हाथों ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। मेरा दिल नहीं मानता तुम किसी का खून कर सकती हो नेहा। लेकिन एक खून मैंने किया है। मुझे अरेस्ट कर लो विशाल, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सच कह रही हूँ। मिस नेहा, आप बता सकती हैं कितने बजे ये हादसा हुआ था? सही वक्त तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन शायद 11 या 11:30 बजे होंगे। 11 या 11:30, सही वक्त बताइए मिस नेहा। देखो सलीम, ये वैसे ही बहुत नर्वस है। लेट मी टेक केयर ऑफ हर। ओके, ठीक है, मैं नौकरा का बयान लेता हूँ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कमरे में कोई और भी था? क्या मतलब? मेरा मतलब है रीटा या और कोई नौकर चाकर? नहीं, रीटा को तो अंकल ने तले से ही निकाल दिया था। लीजिए सब। इस बंदूक से 2 गोलियां चली हैं नेहा, ये दूसरी गोली कहां गई? मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो यूं ही पूछ रहा था नेहा, लेकिन अब के बाद हर सवाल का जवाब तुम सिर्फ अपने वकील के सामने ही दोगी, ठीक है? ऑर्डर, ऑर्डर।
मुलजमा को 10,000 रुपए की जमानत पर छोड़ देने का हुक्म दे दिया जाए, लेकिन ख्याल रहे जब भी पुलिस को जरूरत हो उसे थाने पर हाजिर होना चाहिए, वरना जमानत कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट ले लो। मैं तू नेहा विशाल तुम कहाँ खो गई? ओह आई एम सॉरी, आओ बैठो। दरअसल मेरे आने का खास मकसद ये था नेहा, कि मैं तुम्हें एक पार्टी के लिए इनविटेशन देना चाहता था। पर विशाल देखो मैं देखता तो रहता हूँ, मगर अब देखो देखो कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी पार्टी में जरूर आना होगा, वरना मेरी पार्टी बेकार हो जाएगी। तुम ही तो इस पार्टी की जान होगी, क्योंकि ये पार्टी ना सिर्फ मेरी सालगिरह की खुशी में है नेहा, बल्कि तुम्हारे बेल हो जाने की खुशी में भी है। अच्छा तो हम आएंगे। मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मुझे प्यार तुम करो। मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मुझे प्यार तुम करो। सनम हमारे प्यार का इकरार तुम करो। मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मुझे प्यार तुम करो। सनम हमारे प्यार का इकरार तुम करो। नहीं तुम बिन जीना नहीं जानम, ओ जानम। लबों से वफा का अपने इजहार तुम करो। सनम हमारे प्यार का इकरार तुम करो। मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मुझे प्यार तुम करो। सनम हमारे प्यार का इकरार तुम करो। का बहाना तुम, मेरा अफसाना तुम जानम, ओ जानम। ये सच है मेरी जान, ऐतबार तुम करो। सनम हमारे प्यार का इकरार तुम करो।
मैं करता हूँ तुमसे प्यार, मुझे प्यार तुम करो सनम, हमारे प्यार का इकरार तुम करो सनम, हमारे प्यार का इकरार तुम करो सनम, हमारे प्यार का इकरार तुम करो। May I come in? Please come in. Have a seat. Miss Sony, आप केदारनाथ के कत्ल के सिलसिले में कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ। क्या? मेरे हिसाब से इस केस पर ठीक से काम नहीं हो रहा है। Constable? जी साहब। Inspector विशाल को अंदर भेजो। जी अच्छा। ये आप कैसे जानती हैं कि केस पर ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं? मैं ये जानती हूँ कि केदारनाथ का खून एक इत्तेफाक नहीं है। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ विशाल। हाँ तो मिस सोनी, आप केदारनाथ के केस के सिलसिले में जो कुछ बता रही थी उसका कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास जो चीजें हैं उसे केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंदूक पर केदारनाथ के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। और मैडम, अगर ये एक्सीडेंट नहीं तो क्या नेहा ने जानबूझकर गोली मारी है? वो क्या गोली मारेगी, वो तो बंदूक उठा भी नहीं सकती। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सेल्फ डिफेंस सर। नेहा ने जो कुछ किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। इंस्पेक्टर, केदारनाथ को कत्ल किया गया है और कातिल कोई और है। आपको इसका यकीन है? नहीं, सिर्फ शक है। किस पर? एक आदमी को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और वो है नेहा का प्रेमी विकी। This is quite possible. विशाल, तुम्हें विकी के बारे में भी छानबीन करनी चाहिए। All right, sir. नेहा? तुम इस वक्त? क्यों? तुम्हें झटका क्यों लगा मुझे यहाँ देखकर? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं क्यों घबराने लगी? इसलिए कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने अपना जुर्म मुझसे छुपाया है। मैंने कुछ छुपाया? मैंने तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था। तुमने मुझसे झूठ कहा था नेहा, केदारनाथ का कत्ल तुमने नहीं किया, उसे विकी ने मारा था। नहीं, सोनी ने कमिश्नर से सब कुछ बता दिया है नेहा। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन सिगरेट के टुकड़े तुम्हारे बेडरूम में मिले थे। वो सिगरेट के टुकड़े मेरे थे। अच्छा, मगर मैंने तुम्हें कभी सिगरेट पीते नहीं देखा। मैं पीती हूँ। ओह रियली? तो मुझे भी अपना एक सिगरेट पिला दो। जाने दो जाने दो, टेंशन की हालत में अक्सर अपनी चीजें नहीं मिलती। लो मेरा सिगरेट पी लो। ले लो, ऐसे मौके पर सिगरेट से बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। पहली बार सिगरेट पीने से ऐसे ही होता है। विशाल, तुम मेरे भी दोस्त हो और विकी के भी। हमें तुमसे बड़ी उम्मीद है। उम्मीद? मेरे साथ जो धोखा हुआ उसका क्या? तुम उससे बराबर जाकर रिहर्सल हॉल में मिलती रही, मुझको कभी बताया तुमने? वो मेरी गीत गाना चाहते थे। झूठ की हद होती है नेहा, और तुम बोली चली जा रही हो। प्लीज विशाल, प्लीज। नहीं, विकी एक धोखेबाज है, उसे धोखेबाजी की सजा मिलेगी। वो एक कातिल है, उसे कत्ल की भी सजा मिलेगी। मैं उससे अपना बदला भी लूंगा। कहाँ छुपा है वो? क्या तुम सिगरेट पीते हो? मेरी गिरफ्तारी का सिगरेट पीने से क्या ताल्लुक? तुम मेरे सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ। कौन सा ब्रांड? ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। उससे क्या होता है, ब्रांड बताओ। कत्ल की जगह पे हमें सिगरेट के टुकड़े मिले हैं। मिले होंगे। इसका मतलब है तुम वहां पर मौजूद थे। मैं भी ये साबित कर सकता हूँ कि मैं किसी दूसरी जगह पर था। झूठ मत बोलो विकी। अब समझ में आया, तू मुझे केदारनाथ के खून के केस में इसलिए फंसाना चाहता है ताकि नेहा के लिए तेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए।
अगर बाहर होता तो तुझे भी देख लेता साले, बड़ा मर्द बना फिरता है। You shut up! तुम ऐसे नहीं कबूल करोगे। हवलदार इसे हथकड़ी पहना कर ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। Yes, sir. रही हो ममता? मैं विक्की के लिए बहुत परेशान हूँ रूपा। दो दिन से वो घर नहीं आया, पता नहीं मेरा जी क्यों घबरा रहा है। एक बुरी खबर है ममता। बुरी खबर? हाँ, उसे किसी केदारनाथ के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। खून? हाँ। मेरा विक्की खून नहीं कर सकता ममता। मेरा विक्की खून नहीं कर सकता। मेरा विक्की खून नहीं कर सकता। ममता, 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 होश में आओ, होश में आओ ममता, ममता। हाय विशाल। ओ अनु, आओ बैठो। दरअसल तुम्हें बुलाया इसलिए था कि विक्की ने यहाँ आकर यह बयान दिया है कि जिस वक्त केदारनाथ का कत्ल हुआ वो तुम्हारे पास था। तुम्हें उसका बयान मान लेना चाहिए, आखिर तुम उसके दोस्त हो। केस के मामले में दोस्ती नहीं चलती, यहाँ तो कार्रवाई कानून के मुताबिक करनी पड़ती है। तो अब बताओ तुम्हारा क्या बयान लिया जाए। हाँ, उस रात वो मेरे साथ था। शायद 10:30 होंगे जब वो मेरे पास आया था। उससे पहले कहाँ था? रिहर्सल हॉल पर। तुमसे मिलने के बाद वो कहाँ गया? ये मैं नहीं जानती, ना ही मैंने उससे पूछा और ना ही उसने मुझे बताया। क्या वो घबराया नहीं था? विशाल, ऐसे सवाल तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में क्या है? कुछ नहीं अनु, तुम जा सकती हो। माँ, माँ। आ गए बेटे। माँ, माँ देख मैं आ गया। माँ तू आ गया बेटे। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, 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 ये सब क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं बेकसूर हूँ माँ। तेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। नहीं माँ, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, 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 इसका
इसका ख्याल रखना। माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, माँ तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ, माँ, माँ नहीं माँ, नहीं माँ, माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, माँ। ये तूने क्या किया माँ? तू मुझे किसके सारे छोड़कर जा रही है माँ? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है माँ, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है माँ। माँ आँखें खोल माँ, माँ आँखें खोल माँ। माँ मेरी डैडी से शिकायत मत करना माँ, माँ मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, माँ मुझे माफ कर दे माँ। माँ वेरी सैड, लेकिन मैं जानता हूँ विकी, मम्मी की मौत ने तुम्हें खामोश कर दिया है, लेकिन जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। अब यूं अकेले गम में कब तक जियोगे? मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो प्लीज। देखो विकी, अपने आप को संभालो, मैं यही कहने आया था तुमसे। जिंदगी के इस कारोबार को यूं बंद कर दोगे ना तो अकेले रह जाओगे तुम। क्या कहना चाहते हो तुम? यही फिर से काम शुरू कर दो। जानते हो दुबई से 4 बड़े प्रोग्राम आए हैं तुम्हारे लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्रोग्राम कर लो, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और पैसा भी आएगा। मुझे अब इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनो विकी, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी बात समझो। ठीक है विकी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरी बात पे तुम जरा गौर करना। मैं आज रात की फ्लाइट से कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। बाय विकी। विकी, शायद नवल किशोर ठीक ही कह रहे हैं, तुम धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करो। हर दुख की एक सीमा होती है, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं मेरी भी माँ थी। जितना तुम्हें दुख है उतना मुझे भी है। मैं क्या करूँ नेहा, दिल नहीं मानता। हम मरने वालों के साथ मर तो नहीं जा सकते, जब तक जिंदगी है हमें उसे गुजारना ही है। रोकर या हंसकर बेहतर है या हम उसे हंसकर ही गुजारे। The show will go on. अगर विकी नहीं आ सकता तो हम किसी और को बुला लेंगे। अनु, मगर वो बात तो ना होगी। क्यों नहीं होगी, दुनिया में एक से एक बड़ा कलाकार मौजूद है। हम मशहूर पॉप सिंगर हसन जहांगीर को बुलाएंगे। Thank you.
घर वाले थोड़ी सी मेहरबानी कर दे ओ ऊपर वाले एक मन चली सी लड़की कर दे मेरे हवाले मस्ती में मस्त हूँ मैं परवाह नहीं किसी की मस्ती में मस्त हूँ मैं परवाह नहीं किसी की सुनता हूँ अपने दिल की करता हूँ मैं मर्जी की खो गई हो तुम यही तो हूँ ऐसे खोई हो जैसे कहीं दूर चली गई हो तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन सच मैं समझ रहा था कोई गीत तैयार हो रहा है सुहागरात के मिलन का गीत हमें भी तो सुनाओ गीत मिलन की आशा में बनते हैं मिलन तो खुद एक गीत है तुम मुझे टाल रही हो सच सच बताओ क्या बात है सच बताओ मैं सोच रही थी कि तुम एक मशहूर कलाकार हो और तुम्हारी जिंदगी में कितनी ही लड़कियां आई होंगी और अब भी होंगी क्या तुम उन सबसे नाता तोड़कर सिर्फ मेरे हो सकते हो जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ तो ना होगा विकी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आई है वो मेरे काम की साथी रही है बस काम के साथी मेरा मतलब है स्टेज पर नाचने गाने के साथी और तुम मेरी जीवन साथी हो मुझ पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है झूठे नेहा इस घर में अब तक जो कुछ भी हुआ तुम्हारे माँ बाप का मरना किदार का कत्ल उन सब से तुम बहुत डरी हुई हो मेरे ख्याल में इस माहौल से कहीं दूर जाया जाए एक ऐसी जगह जो स्वर्ग से भी सुंदर हो लेकिन तुम मेरे हो मेरे साथ यहाँ हो तो यही घर मेरे लिए स्वर्ग है ओ नेहा क्या मियां एक पोटी की खातिर इतना दुखी हो गया बेटा हां अरे एक ढूंढो हजार मिलती अरे एक दो गिलास और पी ले दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा मुझे शिकायत है कि आप लोगों ने विकी के मामले में अभी तक कुछ नहीं किया मैडम आप जो चाहती हैं शायद वो नहीं किया तो मैं ये बात ऊपर तक ले जाऊंगी तो क्या आप हमें दबाना चाहती हैं जी नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं विकी बहुत चालाक आदमी है वो नेहा को भी इस्तेमाल कर सकता है मुझे शक है कि आप लोग नेहा के भोलेपन से प्रभावित हो गए हैं देखिए आप जो कुछ कह रही हैं उसका मतलब अच्छी तरह समझती हैं? अच्छी तरह समझती हूँ इसलिए अब मैं खुद उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ कहाँ जाना है बाबा तुम चलो विकी तुम हमारे घर में हमारी इजाजत के बगैर इजाजत इस घर से कभी मेरा भी संबंध था लेकिन अब वो संबंध टूट चुका है दरअसल मैं तुम्हारे पतिदेव से कुछ राज की बात करने आई हूँ
जो कुछ भी तुम्हें कहना है जल्दी कहो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। आओ विकी, हम तन्हाई में चलकर कुछ बातें करते हैं। नहीं, जो कुछ भी कहना है हमारे सामने कहो। मुझे डर है विकी, तुम्हारी पत्नी की जिद तुम्हें किसी खतरे में न डाल दे। देखो नेहा, जिद न करो, सुनने तो दो वो क्या कहना चाहती है। लेकिन वो मेरे सामने क्यों नहीं कहती? शायद केदारनाथ के बारे में कोई राज की बात मालूम पड़ जाए। प्लीज लीव अस अलोन, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? क्या कहना चाहती हो तुम? सुनो विकी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब तुम कानून से बच नहीं सकते। ये रही केदारनाथ की डायरी, इसमें इस बात का पूरा सबूत है कि केदारनाथ ने तुम्हें बड़ी बड़ी रकमें दी हैं। तो फिर? ये बात तो पुलिस तय कर ही लेगी कि ये रकमें तुम्हें किस लिए दी गई। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? इस राज की कीमत। कितनी? ज्यादा नहीं, 1 करोड़पति पत्नी के पति होने के नाते 10 लाख रुपए अदा करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं। और अगर मैं ना दूं तो उसका अंजाम तुम खुद देख लोगे। ओ बाय द वे, ये रहा मेरा फोन नंबर, अगर कल शाम तक तुम्हारा फोन नहीं आया तो ये डायरी पुलिस कमिश्नर के टेबल पर होगी। गुड नाइट विकी। सानी अंकल, आज मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है क्योंकि मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मेरी सारी जायदाद की एक ट्रस्ट बनाई जाए जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी विकी और मैं हूँ। इसकी क्या जरूरत पड़ गई बेटी, 2 रोज पहले ही तुम्हारी शादी हुई है और अब तुम्हारे लिए सारी जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा है अंकल? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस काम के लिए कुछ वक्त लगेगा। हेलो, हेलो, कौन है मियां? हाँ, सोनी, सोनी गीजर से जल के मर गई। हेलो, अरे बोलो बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, लगता है सुसाइड का केस है सर। नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, चलो बाहर चल के देखते हैं। ओके सर। केदारनाथ की अचानक मौत ने मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जिन लोगों के हाथ केदारनाथ के खून से रंगे हैं वो आजादी से घूम रहे हैं। मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, शायद मरने पर मिल जाए, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। हेलो। हेलो नेहा जी। हाँ, मैं विनोद बोल रहा हूँ। हाय विनोद। अभी अभी पुलिस प्रेस रूम से खबर मिली है कि सोनी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? ओह माय गॉड, कैसे? डिटेल्स तो अभी नहीं मिली, मौत एक्सीडेंटल है, मगर पुलिस को मर्डर का शक है। आप विकी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगी। ओके बाय। किसका फोन था? विनोद का, कह रहा था कि सोनी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? लेकिन पुलिस को शक है कि ये कत्ल का केस है। हेलो, कौन? नवल किशोर। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। या ओके, ऑलराइट, बाय। जब से सोनी की मरने की खबर आई है तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं, दरअसल मैं परेशान नहीं हूं, परेशान किया जा रहा हूं।
कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? विशाल, वो सोनी की मौत की घटना को कत्ल का केस साबित करके मुझे उसमें फंसाना चाहता है। वो तो तुम्हारा दोस्त था। तुम्हारा भी तो दोस्त था। केदारनाथ के कत्ल के केस में उसने कौन सी नरमी बरती? उसे हो क्या गया? जलन, मेरा तुमसे शादी कर। बकवास बंद करो। तुम अपनी गोलमोल बातों से नेहा को धोखा दे सकते हो, लेकिन पुलिस की चालाक नजरें और कानून को नहीं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। ये रहा तुम्हारा वारंट। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि सोनी का कत्ल मैंने नहीं किया। मेरे पास सबूत है, तुम्हारी शादी की ये अंगूठी जो उसके बिस्तर पर पाई गई थी। शायद उसके साथ हाथापाई में छूट गई हो। ये अंगूठी तो कितने दिनों से इनके हाथों में नहीं थी। तुम चुप रहो। और तुम इसका क्या करोगे? इसमें खून के धब्बे हैं, गौर से देखो इसे। और इसे तुम वहां पर छोड़ आए थे, और ये तुम्हारा है क्योंकि इसमें वी का निशान है। वी से तो किसी का भी नाम हो सकता है। वी फॉर विजय, वी फॉर विनोद, और वी से विशाल भी हो सकता है। शर्म, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं और गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। सीधे सीधे चलते हो या हथकड़ी बनाकर घसीटता हो ले जाऊं? चलता हूं, चलता हूं। तेरे दिल में जितनी भी हसरतें हो ना, खाना जल के निकाल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो। देखो विकी, अगर नेहा को जरा सा भी शक हो गया कि हम अब भी पहले की तरह दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, तो सारा मामला खराब हो जाएगा। मंजिल बहुत करीब आ चुकी है विकी। नेहा की सारी जायदाद अब हमारी होगी, 50-50। बस नेहा को तुम अब खत्म कर दो। नहीं विशाल, ये काम मुझसे नहीं होगा। भोले मत बनो। केदारनाथ को तुम मार सकते हो, नेहा को नहीं। मैंने केदार को नहीं मारा, गोली इत्तेफाक से चल गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किदार ने भरी हुई पिस्तौल क्यों इस्तेमाल की थी। चलो अच्छा हुआ, वो अपनी ही बेवकूफी का शिकार हो गया। नहीं विशाल, मैं नेहा को अपने हाथों नहीं मार सकता। तुम्हारा बाप भी करेगा। सब जानते हैं कि मैं एक भोला भाला इंसान हूँ। इसी भोलेपन की आड़ में सोनी का खून करके मैंने तुम्हें कानून से अब तक तो बचा कर रखा। मेरे पास सारे सबूत हैं जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। विकी, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं, सिर्फ 2 दिन। और हां, नेहा की मौत एक हादसा होगी, कत्ल नहीं, याद रहे। अरे नेहा जी, आप यहां आइए, बैठिए। विशाल कहाँ है? अरे उसका तो हिसाब किताब अल्लाह को मालूम, कब आता, किधर से आता, कहाँ को जाता, और यह तो वो खुद ही जाने। आप उसे समझाइए ना, वो विकी के पीछे हाथ धोके क्यों पड़ा है? पीछे पड़ना तो हम पुलिस वालों का ही काम है नेहा जी। अगर पीछे नहीं पड़े तो केस कहाँ से बनेगा, हमारा खाता कैसे खुलेगा? चोरी हुई या कत्ल हुआ तो मुजरिम को भी पकड़ना हमारा ही काम है। लेकिन आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि खून कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। क्या आप ही विकी को खूनी समझते हैं? ये काम तो मजिस्ट्रेट का है नेहा जी, उसकी नजर में सभी बेगुनाह हैं जब तक कि गुनहगार साबित ना हो, और हम पुलिस वालों की नजर में तो सभी गुनहगार हैं जब तक कि वो बेगुनाह साबित ना हो, फिर चाहे वो महात्मा हो या चंडाल। फिर तो मैं बेकार आई हूं यहां। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, मैं विशाल को समझा दूंगा। हाँ विकी बोल रहा हूं। ये तुमने क्या नाटक शुरू कर दिया? क्या हुआ? तुमने नेहा को थाने क्यों भेजा? वो खान से मेरी शिकायत कर रही थी। अच्छा देखो, मैं उसे बात करता हूँ। देखो विकी, तुम आग से खेलना चाहते हो जिसमें तुम खुद जलकर भस्म हो जाओगे। तुम्हें मैं वार्न कर रहा हूँ, मैं ज्यादा सब्र नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा अच्छा, मैं आके बात करता हूँ। हाँ हाँ, प्रोग्राम के बारे में। ओके बाय।
किसका फोन था? अरे उसी नवल किशोर का था, प्रोग्राम के लिए जान खा रहा है। तो क्यों नहीं कर देते प्रोग्राम, कर दो। अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है विकी, मेरा फैसला अटल है। गुंजाइश है विशाल, नेहा जैसी नेक लड़की को सिर्फ एक जानवर ही कत्ल कर सकता है। तुम अपने आप को कब से आदमी समझने लगे? जब से नेहा की शराफत देखी है। ये मत भूलो विकी कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हो और इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें पूरा करना है, जिसे तुम आदमी बन के करो या जानवर। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मैं अच्छी तरह जानता हूं, मगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो मर चुका है। मगर मैं तो जिंदा हूं। तो मैं बगैर कत्ल किए नेहा की सारी दौलत तुम्हें देने को तैयार हूं। बोलो, सजा मंजूर है? नेहा के जीते जी उसकी सारी दौलत तुम्हारा बाप भी नहीं मुझे दे सकता, और ना ही ये मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट माई पाउंड ऑफ फ्लैश। विशाल, तुम्हारी इंसानियत तो क्या हो गया है? मेरी इंसानियत? उसी इंसानियत के खून से तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था। अब तुम नेहा को बचाकर हीरो बनना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा काम था तुम्हें कानून के चुंगल से बचाना, और तुम्हारा नेहा का कत्ल करना। मुझे सोचने का वक्त है विशाल। बिल्कुल नहीं। इस रात की सुबह से पहले तुम्हारे हाथ नेहा के खून से रंगीन होंगे। यू कैन गो नाउ। जब
विशाल। देख लिया ना, मारने वाले से बचाने वाला कितना बड़ा होता है। क्या मतलब? तुमने विकी को फांसने की कितनी कोशिश की, लेकिन आज भी उसका दामन बेदाग है। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा नेहा, मैं तो तुम्हारा अपना था। तुम विकी को नहीं जानती, उसने केदारनाथ का खून जानबूझकर किया और आखिर में सोनी का भी। रबिश! विकी को क्या मिलता सोनी का खून करके? सोनी के पास विकी के खून होने का एक ठोस सबूत मौजूद था। सोनी को खत्म करके उसने वो सबूत भी खत्म कर दिया। मैं नहीं मानती। तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, विकी से बचकर रहना। छोटी मालकिन, कोई नवल किशोर साहब आए आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, उनसे कहो कि हम आ रहे। अरे आप? हाँ भाई, सीधा बेंगलोर से चला आ रहा हूँ। अब विकी घर में है? लेकिन वो तो आप ही से मिले गए। आपका फोन आया था ना? मेरा फोन? मैं तो इस शहर में था ही नहीं, तो मेरा फोन कहाँ से आया? लेकिन रात वो आप ही से बात कर रहे थे ना? अरे नेहा जी, बातें बनाना कोई उससे सीखे। बहुत बड़ा कलाकार है वो, बहुत चालू है। आप उसे नहीं जानती, वो कोई दूसरा ही चक्कर होगा। खैर, वो आए तो उससे कहिएगा मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले, कुछ जरूरी काम है। तुम्हारा खून करने जा रहा हूँ, जैसे केदार का किया था। लेकिन क्यों? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। पर तुम तो मुझे चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो विकी। हाँ, मैंने तुम्हें चाहा ताकि तुम्हारा कत्ल कर सकूं, तुमसे शादी की ताकि तुम्हारा खून कर सकूं। नहीं नहीं, प्यार कातिल नहीं हो सकता। पति पति की हिफाजत करता है, उसका कत्ल नहीं करता। मैं वो पति नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा। नहीं नहीं, कहां भाग रही हो? नहीं नहीं विकी, नहीं। क्या बात है बिटिया, बहुत परेशान नजर आ रही हो। रात पर सोई नहीं क्या? नींद नहीं आ रही थी मालिक काका, हमें डर लग रहा था। अरे भला कोई अपने घर में डरता है क्या बिटिया? हमें चारों तरफ मौत की परछाइयां दिखाई दे रही हैं। हम क्या करें? ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई लगा है और वो हमें मार डालेगा। सब कुछ बदल रहा है, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटी? पेड़ कहीं अपनी धरती छोड़ता है, जड़ें मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी आंधी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो, ये तुम्हें हो क्या गया है? पर अब हिम्मत टूट रही है काका। बेटी, तुमने जरूर कोई खौफनाक सपना देखा है, जाकर के आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बेटी, तुम्ही ने एक दिन कहा था कि यह धरती नहीं बदलती, ये आसमान नहीं बदलता, फिर ये कौन बदल रहा है बेटी? हेलो, इंस्पेक्टर सलीम खान को अंदर भेजो। आओ सलीम, आओ बैठो,
प्लीज। सलीम एक बात बताओ, विशाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? विशाल अभी जवान है, कुछ ज्यादा ईमानदार है। ईमानदार है? आर यू श्योर? जैसे सारे पुलिस ऑफिसर ईमानदार होते हैं वैसा ही है सर। सलीम ये जरा सीरियस मैटर है, विशाल जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। तुम उसके दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं। दोस्त क्या सर, साथ रहते रहते दिली लगाव हो ही जाता है। सलीम मैं चाहता हूं कि तुम उस पर नजर रखो और मुझे रिपोर्ट करो। कुछ सीरियस बात है क्या सर? हां कुछ शक मुझे भी था सर। कुछ दिन पहले विशाल नेहा के घर विक्की को अरेस्ट करने गया था, अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर नहीं आया। और ये पेपर्स बताते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में उसकी ट्रांसफर केदारनाथ ने ही करवाई थी। विक्की से उसकी दोस्ती भी थी सर। खान तुम देखो कोई लाइन बनती है कि नहीं। ठीक है सर। तुम्हारे घर पनाह लेने आई हूं। आओ अंदर आओ, बैठ जाओ नेहा। वैसे तुम्हें मेरे घर में किससे पनाह लेने की जरूरत पड़ गई? मौत से। मौत से? मेरा मतलब विकी से है। मौत तो जन्म से ही आदमी का पीछा करती चली आ रही है, उससे कहां पनाह मिल सकती है? कौन पनाह दे सकता है? जब आती है तो क्या दुश्मन का हाथ और क्या चाहने वाले का। तो क्या तुम मुझे विकी से नहीं बचा सकते? वो मेरी जान लेना चाहता है विशाल। मगर वो तो तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे पति देव हैं। मुझे ठुकरा कर तुमने उसे अपनाया था। जब मैं तुम्हें उससे होशियार कर रहा था तुमने कहा उसका पीछा छोड़ दो। मैं विकी के प्यार में अंधी हो गई थी नेहा। अंधी आंखों के लिए यही बेहतर है कि मौत उन्हें बंद कर दे। क्या बदला लेने का यही मौका है? अच्छा मैं जा रही हूं। जाओगी कहां नेहा? मौत से बचकर कोई कहां जा सकता है? मेरा मतलब है यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं। रिलैक्स। आप अंदर कहां जा रहे साहब? क्या नेहा घर पे नहीं है? नहीं वो तो कहीं चली गई। कहां गई कुछ पता है? पता नहीं, वो तो बहुत घबराई हुई थी। विकी साहब भी उनके पीछे पीछे गए। अच्छा ठीक है। Thank you.
विशाल, विशाल, सर मैं सलीम बोल रहा हूं विशाल के घर से। यहां पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं सर। एक रुमाल मिला है, उसमें कुछ खून के धब्बे हैं सर, और एक तस्वीर मिली है जो अपनी कहानी खुद बताती है सर। विशाल कहां है? विशाल घर पे नहीं है, सारी चीजें बिखरी पड़ी है, कुछ गड़बड़ मालूम होती है सर। विशाल को ट्रेस करो। चलो मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जाती कहाँ हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ था रहा, लेकिन मैं हमेशा नाकाम रहा। आज आज शायद ये मेरा आखिरी मौका है। तुम बदले की आग में जल रहे हो विशाल। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त समझा, और तुमने मेरी दोस्ती का ये बदला दिया। अगर मेरी जान लेकर तुम्हारे अरमान पूरे होते तो ले लो मेरी जान, मार डालो मुझे। वैसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पति मेरे खून का प्यासा है, और एक तुम्हें ही मैंने अपना अच्छा दोस्त समझा, और आज तुम भी। मैं हमेशा तुम्हें पाने की तमन्ना की थी नेहा, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, तो मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा, एक घायल परिंदे की तरह तड़पता रहा। उसी दौरान मेरी दोस्ती केदारनाथ से हो गई। उससे मिलकर मुझे पता चला कि इस जगह मेरा ट्रांसफर उसी ने करवाया था। वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहा था, तुम्हारी जायदाद को हासिल करने के लिए, और उसने मुझे अपने साथ शामिल कर लिया। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने अपने फर्ज से गद्दारी की। मैंने अपने दोस्त विकी की मुलाकात केदारनाथ से करवाई। विकी से हम वो काम ले सकते थे जो मैं नहीं कर सकता था, यानी तुम्हारे दिल को जीतना। और आज जब तुम सब कुछ जान गई हो, तो मेरे लिए तुम्हें खत्म कर देना बहुत जरूरी हो चुका है। विकी ने तुमसे शादी करके सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे उसे हिसाब बराबर करना है। विशाल, मुझे पता था तो नेहा को बचा ले जरूर आएगा गद्दार। अगर तू समझता है कि मैं तेरा कसूरवार हूं, तो मुझसे मुकाबला कर, इस मासूम को छोड़ दे। तेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है विकी, और मेरा मर जाना ही अच्छा है। चलो गोली विशाल, मैं कहती हूं चलो गोली, मार डालो मुझे। विशाल, विशाल,
रुक जा। विशाल, 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 ये तूने क्या किया पगले? पागल तुम्हें हमेशा से था मेरे दोस्त, तू हमेशा जिंदगी की बाजी जीतते आया, मेरी बहुत तमन्ना थी, एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुझे हराता, मगर जिंदगी की आखिरी पास भी तू जीत गया विकी। काश तू मुझे एक बार कह देता, मैं जिंदगी की हर बाजी तेरे लिए जानबूझकर हार जाता। यही तो मैं नहीं चाहता था, भीख और दान की इस जीत से बेहतर था कि मैं तुझसे मुकाबला करता। सो मैं लड़ा, तेरे प्यार में शक्ति थी दोस्त, तू जीत गया, मेरे प्यार में खोट थी, मैं हार गया। ए विशाल, 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 काश तू यह समझ सकता विशाल कि दौलत और मोहब्बत की जंग में दौलत की हमेशा हार हुई है और प्यार की हमेशा जीत। नेहा बेटी, जो कुछ तुम पर गुजरी बहुत दुखदायक है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मुझे उम्मीद है तुम हालात का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करोगी। विकी कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और वो ये जिद कर रहा था कि उसका नाम वसीयतनामे से हटाया जाए। नेहा, वो एक शरीफ इंसान है, तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.